एवरीवन, दिस इज फातिमा फेंदी और आज मैं आ गई हूँ न्यू मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। व्लॉग मैं इसको नहीं कहूंगी, ये मेकअप ट्यूटोरियल है। बहुत से लोग हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू थैंक यू ऑल कि आप लोग मेरा ड्रामा बेटियाँ बहुत पसंद कर रहे हैं, हम सबकी मेहनत बहुत पसंद कर रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए मुझे जब मैं ब्लैक साड़ी पहनी थी आयजा की शादी में, उस पर क्वेश्चन आए कि ये मेकअप का ट्यूटोरियल दें, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट मेकअप रील बनाई थी और वो मुझे आधे मेकअप के बाद ख्याल आया था कि एक मेकअप रील बना ली जाए, तो इसलिए मैं पूरा मेकअप आपको बता नहीं सकी कि किस तरह से मैंने किया था। और क्योंकि शूट पे जाने की जल्दी भी थी, आज भी बहुत जल्दी है शूट पे जाने की, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको मेकअप दिखाऊंगी। और आज भी बेटियां के शूट पे किसी की शादी का इवेंट है जिसमें मैं ब्लू साड़ी पहन रही हूँ आज। तो गेस करें किसकी शादी का इवेंट है, मेरी कौन सी बहन है और उसकी किससे शादी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। और मेकअप ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगी। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि वो आप लोगों के सेट पे मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं, हमारे सेट पे रावे बाजी हैं जिन्होंने पूरे ड्रामे में मेरा मेकअप किया है, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं वो। लेकिन कभी कभी इवेंट्स में मेरा खुद से तैयार होने का दिल होता है तो मैं फिर अपने एडी को बोल देती हूँ कि मैं रेडी होके आऊँगी, बाल मेरे वही बनाएंगी, बट मेकअप मैं खुद करके जा रही हूँ आज शूट पे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, वेयर इज माय बेस? जी, तो ये है, सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया ये मॉइस्चराइज़र, ये फ्लॉक्सिया का है, आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने फेस पे लगाया प्राइमर, प्राइमर मैंने ये यूज़ किया है, बट आप कोई भी अच्छा सा प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। और बेस मेरी फेवरेट है मैक, मैक का मैं शेड यूज़ करती हूँ NC15। जो शेड आपको यूज़ करता है, आप सूट करता है, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तकरीबन 6 साल से यूज़ कर रही हूँ मैक, और मेरी एक मेकअप आर्टिस्ट है जो मुझे बार बार कहती है कि आप बोर नहीं हो जाती मैक से, आप कोई और बेस ट्राई करें, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। इवन मैंने नार्स की बेस ली थी, मैं बेस अप्लाई करने लगी अभी, मैंने नार्स की बेस ली थी तो उसकी कवरेज मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो थिन लगी। मतलब शूट के सर्वाइवल के लिए मुश्किल है क्योंकि शूट पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं तो जो है ना वो बेस वेयर ऑफ हो जाती है और उसकी कवरेज थिन है तो उससे मुझे लगता है मेरे एक्ने स्कार्स जो हैं और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो कवर नहीं हो पाती। कंसीलर जो है वो कुछ लोग बेस के नीचे लगाते हैं, मैं जो है वो बेस के बाद लगाती हूँ और उसके ऊपर पाउडर करती हूँ, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा जो है ना वो कवर हो जाता है। कभी कभी इवेंट्स पर मैं अपनी नार्स की बेस भी इसमें मिक्स कर देती हूँ, बट मुझे फिलहाल मिल नहीं रही, पता नहीं किधर चली गई है नार्स की बेस मेरी। ओ ये रही मेरी नार्स की बेस, इसका शेड है गोभी, गोभी। तो ये मैं लगा रही हूँ अपनी नार्स की बेस, उसी के ऊपर आप लोग ब्लेंड भी कर सकते हैं साथ में। और ये ब्लॉग खराब करने हेलो ये ब्लॉग है या मेरा मेकअप ट्यूटोरियल? ब्लॉग बाबा के पीछे झुकके झुकके आए थे। यस और मैं मम्मा को 12 बजे दे रहा था और बाबा मैच देख रहे थे, जब बाबा अंदर गए तो बाबा के पीछे पीछे झुकके आ गए। खबरनामा है पूरा ये, मुझे आइडिया दिया था। चलो आ जाओ। इसके बाद मैं यूज करूंगी कॉम्पैक्ट, आप लोग कोई भी अच्छी कंपनी का अपने शेड के मुताबिक कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो। मैं लूज ये बेकिंग पाउडर यूज कर रही हूँ अभी, मैंने ड्रेसिंग पे कम सामान रखा हुआ है, मेरी मेकअप वैनिटी में ज्यादा है जो मैं लेके जाती हूँ, तो ये कॉम्पैक्ट भी यूज करती हूँ मैं और ये बेकिंग पाउडर भी यूज करती हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं अपना बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ओ एक चीज़ मैं बीच में भूल गई। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज कंसीलर, ये टार्ट का कंसीलर है और इसका शेड है 29N। तो इसको मैं अप्लाई करूँगी, दिस इज़ वेरी गुड फॉर कवरेज, आपके डार्क सर्कल्स
ये जो आपकी लाफ लाइन होती है यहाँ पे, ये आपका पिंपल अच्छे से ब्लेंड कर दो। सो गाइज, टार्ट हमारा कंसीलर जो है वो बिल्कुल ब्लेंड हो गया है। अब हम लूज पाउडर अप्लाई करेंगे जो हम कर रहे थे। सो गाइज, वी आर डन विद द पाउडर। और नेक्स्ट स्टेप, आप कंटूरिंग और ब्लश भी कर सकते हैं या आई मेकअप कर सकते हैं। आई वुड गो फॉर आई मेकअप नाउ। गाइज, आई एम यूजिंग दिस प्राइमर, आई प्राइमर है। आप लोग कोई भी अच्छे ब्रांड का आई प्राइमर यूज कर सकते हैं। इधर आके बताओ व्लॉग में क्या करते थे आप इससे। और इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। इट्स अ बुकलेट, बुकलेट क्या बुक ही है। तो इसमें से मैं देखती हूँ अब कौन से शेड्स यूज करने हैं। मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो है वो आईज के नीचे थोड़ा ब्लू इफेक्ट या ग्रीन इफेक्ट मुझे पसंद आता है। तो और ब्लैक के साथ आपने देखा मैंने काजल यूज़ किया था। तो ये अब मैंने आई मेकअप स्टार्ट किया है। इसका बहुत ही मैट सटल सा जो शेड है ये वाला, आई शो यू। मैं हमेशा ना मिक्स करके कलर्स यूज़ करती हूँ। तो ये और ये मैं मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। तो जो मेरा मेन आई शेड ब्रश है वो मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं इससे कर रही हूँ अपना आई शेड। आई थिंक इससे भी हो जाएगा, पता नहीं यार, मुझे तो हमेशा इसमें कन्फ्यूजन ही रहती है। अब मैं इसको दूंगी डेप्थ। सारी शेड मैंने लगा लिया और अब मैं इसको डेप्थ दूंगी किसी भी डार्कर शेड से। सो आई एम गोइंग टू मिक्स ऑल दीज एंड क्रिएट सम डेप्थ। और पर्पल भी यूज़ कर सकते हैं यार। पर्पल ब्राउन में मिक्स करके बहुत अच्छी जो है ना वो डेप्थ देता है। हम लोग, मैं जब फैशन डिज़ाइनिंग में बैचलर्स कर रही थी तो हमारे आर्ट टीचर थे बड़े अच्छे, तो उन्होंने मुझे सिखाया था जब मैं स्केचिंग करती थी और उसमें कलर वाले स्केचेस होते थे, तो वो सिखाते थे कि पर्पल जो है ना वो हर चीज़ में आप जब भी डेप्थ दो तो पर्पल ऐड करो, तो वो बड़ा अच्छा जो है ना वो डार्क इफेक्ट देता है। कि डेप्थ अगर अच्छी होगी ना तो आपकी आँख बड़ी लगेगी, खुलेगी। और उसके लिए लेंसेज भी अगर आप यूज़ करें तो अच्छी बात है। मैंने अभी लेंसेज लगाए थे वीडियो बनाने से पहले। अच्छा, तो अब यह कि वो डेप्थ दे दी थी मैंने इस, आई शो यू डेप्थ। पहले मैंने सटल शेड्स यूज़ किए, ये वाले, ये वाला और ये वाला। उसके बाद मैंने डेप्थ दी इस पर्पल को कंबाइन करके इस ब्राउन के साथ। और उसके बाद मैंने फिंगर से ये यहाँ पे अप्लाई किया है अपने ब्राउ बोन पे, ठीक है। कलर सॉब है, इससे आप वॉश किए बगैर ब्रश ना आप साफ कर सकते हैं, इसमें आपका कलर चला जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो कलर नहीं आएगा नेक्स्ट ब्रश में, ठीक है। क्योंकि मैं ब्लू साड़ी पहन रही हूँ और मुझे ब्लू कलर नीचे बहुत पसंद है। आई के नीचे ग्रीन और ब्लू, ये दोनों कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़े स्टैंड आउट करते हैं। अगर हम ऊपर लगाते हैं ना तो उससे होता ही है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऊपर लगाते हैं तो ना वो लैशेस में छुप जाता है, इसलिए मैं नीचे लगाती हूँ। ये यहाँ पे लगा दी मैंने। अब मैं इसको थोड़ा सा लाइट करूँगी बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर मैं ये वाला शेड लगाऊंगी, ये जो सिल्वरिश है। इससे क्या होगा कि उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा और यहाँ से आँख ब्लेंड हो जाएगी इसमें। ये वाला शेड, ये वाला लगाया मैंने। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज
आईलाइनर एंड लैशेस। पहले हम लगाएंगे ये लाइनर। मैं अच्छे से लगा रही हूँ क्योंकि ये लैश लाइनर है, मतलब ये मैग्नेटिक लाइनर है जिससे लैश चिपकेगी। अगर आप बहुत पतला लगाएंगे तो हो सकता है उस पर लैश ना चिपके, तो इसको थोड़ा आपको ठीक करना पड़ेगा। ओके, तो लाइनर अप्लाई कर दिए, अब हम लैश लगाएंगे। हाय, मम्मा की गाड़ी आ गई तो मम्मा मेकअप करके जाने वाली है। और बाहर चल रहा है फाइनल पाकिस्तान का, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। मेरी प्यारी बेबी, मम्मा ये तो बहुत अच्छी लग रही है। मम्मा इधर भी लगा दे। ये क्या है? मैंने लेंसेज लगाए ना, मेरी आईज आपकी जैसी हो गई। मम्मा ये क्या है? कलर स्वैप। मम्मा ये क्या है? अगर आपको पता है मम्मा ये क्या है? मैंने अभी बताया है सबको कि ये क्या है, मैंने अभी बताया है। गाइस लेकिन कॉपी मत करना। ठीक है, ये हमारी लैशेस अप्लाई हो गई और ये हमारी लैशेस अप्लाई हो गई। तो ये मैं अभी मस्कारा अप्लाई करूंगी। लैशेस के साथ आपको मस्कारा अप्लाई करना होता है ताकि जो भी वाइट लगा हुआ है उस पर बेस वगैरह कुछ भी पार्टिकल्स तो वो रिमूव हो जाएं और एक अच्छी सी आपकी आंख जो है ना बिल्कुल खुल जाए। गाइस आवर आई मेकअप इज ऑलमोस्ट डन और सिर्फ हमारी आईब्रोज रहती हैं जो कि मैं इससे बनाती हूँ, ये क्रिस्टीन का है। और जो ब्राउ सोप और वो सब होती हैं वो भी मैंने ट्राई की हैं बट मुझे सूट नहीं करती, तो सूट करने वाली बात है। मुझे यही सूट करता है हमेशा से। मेकअप आई थिंक इज डिस्कवरिंग, आप अपने लिए डिस्कवर करो कि आपको क्या सूट करता है। लेकिन मस्काराज आपके बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी स्मार्ट ऑफ यू टू इन्वेस्ट इन मस्काराज। आप लोकल मस्काराज लो, बहुत अच्छे होते हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी आप उनको रिप्लेस कर सकते हो। प्लस मैंने बाहर से जब भी मस्कारा मंगाया हमेशा सूखा हुआ आया, पता नहीं क्यों। तो बाहर के ब्रांड्स भी जो है सारे वो यहाँ पर डिलीवर हो जाते हैं। पहले मैं दुबई से मेकअप मंगवाती थी अपनी बहन से, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुबई इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव और यहाँ पर US का जो मेकअप है वो पेजेस डिलीवर करते हैं और वो काफ़ी रीजनेबल है बिकॉज़ US में मेकअप ज़्यादा सस्ता है। साथ में मैं ये भी यूज़ करती हूँ, ये वो है कौन सा ब्रांड होता है, शॉप ब्रांड कौन सा होता है, जैसे मैं सिफोरा की मेकअप किट भी यूज़ करती हूँ, मैं ये भी यूज़ करती हूँ, ये और ये भी यूज़ करती हूँ, ये लोकल है। तो मतलब ये लोकल ही मैंने ली थी, तो ये इतना ज़्यादा आई थिंक मेकअप जो है ना वो आपका आर्ट होता है। ये बस आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हों, आपकी स्किन को ना डैमेज करें। आईब्रो के लिए एक अच्छा कट ब्रश यूज़ करें, उससे हमेशा आईब्रोज अच्छी बनती हैं। मैं इसी से अपना कंटूर करूँगी, मेनली मैं इसी से करती हूँ। मेरे पास एक और भी है बट वो थोड़ा लाइटर शेड है, स्क्रीन के लिए ये थोड़ा डार्कर शेड अच्छा रहता है। जिनका फेस राउंड है मेरी तरह उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये मैंने हाथ से फिंगर से अपनी नोज़ कंटूर कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितनी अच्छी नोज़ कंटूर फिंगर से होती है उतनी ब्रश से नहीं होती। ब्रश यूज़ करूँगी मैं, ये कोई रैंडम सा ब्रश है जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे बैग में डाला था कि ये आप यूज़ किया करें, बट इट्स गुड।
इससे पहले मैं कौन से ब्रांड का यूज़ कर रही थी, आई थिंक एट्यूड का है, उसका कैप टूट गया था तो फिर मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दिया। हाइलाइटर यूज़ करूँगी, ये गॉश का हाइलाइटर है। अगेन आई विल यूज़ माई फिंगर्स बिकॉज मुझे लगता है कि फिंगर्स से ज़्यादा अच्छा अप्लाई होता है, प्लस मैं जल्दी जल्दी में भी करती हूँ ना मेकअप, तो मुझे फिंगर्स सूट करती हैं। ये ठुश 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 जल्दी से मेकअप। वेर जस्ट लेफ्ट विद लिपस्टिक। लिपस्टिक यार मेरी फेवरेट आजकल ये है, और ये मैंने ख़त्म कर दिया। तो मैं ऐसी का जो दूसरा लेके आई थी वो यूज़ करूँगी। मैंने बेटियाँ ड्रामे में मोस्टली यही यूज़ किए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें कलर कम है, कलर थोड़ा ऐड कर सकते हैं, तो आई एम गोना यूज दिस लिपस्टिक आई हैव। लास्ट स्टेप व्हाइट आई पेंसिल आंख बड़ी करने के लिए, ये और एक अच्छा सा इफेक्ट देने के लिए। सो गाइज आई एम डन विद माई मेकअप। आपको कुछ मेकअप शॉर्ट्स मैं एंड में दिखाऊंगी वीडियो के। मुझे बताएं कि आपको मेकअप कैसा लगा, और कमेंट्स में बताएं ज़रूर, और ये भी बताएं कि आप बेटियां देख रहे हैं कैसा लग रहा है आपको, और मेरा बेटियां में ये लुक आप देखेंगे। तो गर्ल्स ये था मेरा मेकअप, आपने देखा होगा बहुत सिंपल है, और टीवी के लिए थोड़ी हैवी बेस यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि हैवी बेस है, तो मैंने थोड़ी हैवी रखी है, और क्योंकि शादी का इवेंट है तो इसलिए थोड़ा ओवर द टॉप मेकअप है, थोड़ा आई मेकअप भी इस तरह से, बट आप इजीली घर पे भी कर सकते हैं। फैशन का डिफरेंट थोड़ा मेकअप होता है, थोड़ा ओवर द टॉप होता है, बट टीवी का मेकअप जो है वो वैसे मिनिमम होता है, लेकिन अभी इवेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा किया है, और मुझे बड़ा मज़ा आता है खुद से मेकअप करना, इसलिए मैं मेकअप करके जिस दिन थोड़ा लेट होता है और टाइम, तो मैं कहती हूँ मैं खुद से तैयार होकर आऊँगी, क्योंकि मुझे मज़ा आता है मेकअप करने में। और अभी पूरा मेकअप तो हो गया है, लेकिन ज्वेलरी रहती है, बाल में जाके वहाँ पे बनवाऊंगी, मैंने साड़ी पहनी है, ये आमना स्माइल की है। सो इफ यू लाइक द वीडियो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। Hey, 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 that's serious.